आप देख रहे हैं आईके टुडे यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम जमान पार्क में मौजूद हैं, यहाँ पे कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और आज खान साहब दूसरा रोज है जो अपने कारकुनान के साथ यहाँ पर जो है अफतारी करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में खान साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं और अपने कारकुनान के साथ, अगर मेरे कैमरा मैन दिखाए, कारकुनान के साथ मिलकर यहाँ पे अफतारी करेंगे। कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। शुक्रिया। पहले मुझे, मैं एक एक जिले का पूछना चाहता हूं कि आज किधर किधर से लोग आए। स्वामी इधर, स्वामी मैं इंशाल्लाह आपके साथ रोजा खोलूंगा, लेकिन आपने जब वहां से जाना, मैं आपका एक एक दो दो जिले से कारकुनों को मैं चूज करूंगा, उनके पास मैं खास नंबर दूंगा। अपने जिले की आपने टीमें बनानी है और आपने मुझे फिर अपने जिले की जो भी मसले मसाइल वो आपने मुझे बताना है। हकीकी आजादी का मेरा जो पैगाम है वो अपने अपने हलकों में लेके जा रहे हैं। और पैंफलेट से पैंफलेट, ये आपकी पैंफलेट, सुना सुना, ये पैंफलेट आप पे बांटी जाएंगी। इसमें हकीकी आजादी क्या है? हकीकी आजादी वो है जो कि इंसानों को आजाद करती है, जो इंसानों को परवाज देती है, खुशहाली देती है। इसके अंदर ये सबके लिए पैगाम है। आप जब जाएंगे अपने जिलों में, ये मेरा पैगाम लेके जाना। तो याद रखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत जब बनाई थी तो सबसे पहले अदल और इंसाफ पैदा किया था। अदल और इंसाफ पहले आता है, फिर खुशहाली आती है। जो यहां से लोग वीजा लेके मगरिब जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, बर्तानिया, वो इसलिए जाते हैं कि वह खुशहाली है, और वह खुशहाली इसी है क्योंकि इंसाफ है। जब एक माशरे में इंसाफ मिलता है, लोगों को हकूक मिलते हैं, लोगों को ताकतवर से तहफुज मिलता है, वो कौम ऊपर चली जाती है। तो हमारी जो जंग है वो हकीकी आजादी की जंग है। अंग्रेज से तो आजाद हो गए, लेकिन उनसे बुरे भी काले अंग्रेजों की आज गुलामी कर रहा है पाकिस्तान। एक तो तहरीक इंसाफ सारी पाकिस्तान की जमात है,
या पंजाब से लोग, पख्तूनख्वा से लोग, गिलगित बल्तिस्तान से, बलूचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से, सारे पाकिस्तान के लोग हैं, क्योंकि ये हमें कौम बन रही है, सारे मुल्क को बुला के कौम बन रहे हैं, और ये कौम अपने आप को आजाद करेगी और इंशाल्लाह कौम वो पाकिस्तान को बनाएगी जो कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, झुकना ना पड़े, लोगों को बाहर नौकरियां ढूंढने ना जाना पड़े। इस मुल्क में लोग नौकरियां इंशाल्लाह ढूंढने आए, तो इसके लिए हमें आजादी की जरूरत है। और ये जो हम जंग लड़ रहे हैं, ये जो चोर ऊपर बैठाए हुए हैं और जो इनके पीछे हैंडलर हैं, हम आजादी की एक मुल्क में आजाद कौम बनना चाहते हैं। हकीकी जमहूरियत का मतलब, हकीकी आजादी का मतलब एक कौम में सब कानून के सामने एक बराबर। तो ये याद रखना, कोई भी आजादी प्लेट में रख के नहीं देता, आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। अल्लाह ने आजादी के लिए जब जदोजहद करते हैं उसको अल्लाह ने जहाद कहा हुआ। ये अल्लाह का काम है, ये सियासत नहीं है। तो आपने जब अपने वापस जाएंगे पैम्फलेट्स भी लेके जाएं, लोगों को बताएं, तैयारी करें। और हो सकता है कि मैं तुम्हें डायरेक्ट कॉल करूं और हम सबको सड़कों पर निकल आते हैं। जगहों पे बैठे, मैं यहाँ रोजा खोल रहा हूँ, आप अपनी जगह पे बैठ के रोजा खोलें।